तो कपड़े की लोगों कहाँ बैठूं? सर पे क्या चढ़ रहे हैं मेरे? भाई ये क्या बोल रहे हो? क्या बात कर रहे हो उससे? जाओ ना, दोस्त है भाई वो मेरा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, आपको आज इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ संदीप से। संदीप की जो प्रॉब्लम है वही जो आजकल चल रहा है सीरियसली रियल लाइफ में, डेटिंग, डबल डेटिंग और ये चीटिंग एंड ऑल। तो गाइस आपको मैं प्रॉब्लम जो है संदीप के मुँह से खुद ही सुन लो, क्योंकि मेरे को भी बहुत ज़्यादा मैं इमोशनल होगी। कल इसने मेरे को फ़ोन पर बताया कि यार ये सीन हो गया है। तो क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे? झूठी स्माइल मत करो, मुझे पता है अंदर बहुत ज़्यादा दर्द छिपे है। तो क्या हुआ बताओ। मैं 3 साल से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशन में हूँ और बहुत लॉयल थे हम, बट मैंने उसके मैसेजेस पढ़े थे, उसमें से नंबर निकाला, फ़ोन नंबर निकाला और फिर लड़के से मेरी बात भी, वो भी कहता है कि उसके साथ लॉयल है। अच्छा। और वो मेरे साथ भी लॉयल है। अच्छा, मतलब दोनों लड़कों के साथ कैसे लॉयल रह सकता है कोई? ये तो चीटिंग ही हुई। तो मतलब आपको कंफर्मेशन है कि आपकी जो गर्लफ्रेंड है जिसके साथ कितने साल से रिलेशन में हो? 3 साल से। 3 साल से, 3 साल से रिलेशनशिप में जिसके साथ वो आपको चीट कर रही है, आपको कंफर्मेशन है इस चीज़ की? नहीं, उस पर तो मेरे को नहीं है कंफर्म, बट वो लड़का जिस कॉन्फिडेंस से बोलता है मेरे को, जिस तरीके से वो मेरे से बात कर रहा था, तो शायद थोड़ा लग रहा है। डाउटफुल हो आपकी, मतलब आप चाहते क्या हो फिर मुझसे, क्या हेल्प चाहते हो? आपने मेरे को मतलब यूट्यूब के थ्रू सर्च किया? मैं अभी कंफर्म करना चाहता हूँ कि वो रियल है या झूठ बोल रहा है शायद मेरे को। कि मतलब कभी कभी होता है ना कुछ तीसरे लोग मतलब रिलेशनशिप में आ जाते हैं, बीच में आ जाते हैं और भीड़ भड़ाना शुरू कर देते हैं, पंगे लेना शुरू कर देते हैं। तो ये कंफर्मेशन चाहते हैं। तो आप इनकी बता दूं मैं आपको, इनकी कल रात को मतलब उस लड़के से फ़ोन पे बात हुई, तो वो लड़का बार बार यही बोल रहा है यार कि मतलब जो तेरी बंदी है वो मेरे साथ में, तेरी बंदी है मेरे साथ में। तो यार ये भी इरीटेट हो गई, इन्होंने भी ये बोल दिया कि यार जब तेरी मेरी बंदी जब तेरे साथ में, तो एक काम करना यार, तू मेरे को प्रूफ दे दे, तू मेरे को सबूत दे दे। तो इन्होंने बोला कि यार चलो, इनके मन में भी आएगा अगर कोई इतने कॉन्फिडेंस में अगर ये बोलेगा कि हाँ तेरी बंदी मेरे साथ में, तो इन्होंने बोला कि ठीक है सबूत दे दे भाई, ऐसा कुछ है तो सबूत दे दे। तो आज क्या है, एक इस इन्होंने उस लड़के को फोन किया रात को और ये बोला कि यार प्रूफ ऐसे दे कि हमारी लोकेशन पे तू आ जा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो लड़की को है तू हमारी लोकेशन पे लेके, हम लोग यहाँ पे हिडन कैमरा लगाएंगे, अगर कुछ भी लगता है ना कि मतलब इनकी बंदी गलत है तो सब लाइव यहाँ पे प्रूव हो जाएगा कि यार लड़की गलत है। तो ये कुछ हम लोगों ने अब प्री प्लानिंग करी है कि हमने जो लड़के से बात कर ली है, हमारी प्री प्लानिंग है, तो लड़के हम लोग अपनी लोकेशन पे बुलाएंगे। क्योंकि यार मैं बता दूं, कंटेंट हमारे कुछ ऐसे ही होता है कि मतलब जो रियल चीज़ें होती है वो रियलिस्टिक चीज़ें आप लोगों को दिखाते हैं, तो यार बहुत ज़्यादा रिस्की रहता है हम लोगों के लिए ना। मतलब हम अगर किसी और की लोकेशन में जाएंगे, हम लोगों के लिए रिस्क है ना। आपको पता है कि लड़के लड़कियों कितने इतने लोगों को मैं ऐसे एक्सपोज करती हूँ जो कि गलत होते हैं एक्चुअल में ना रियल लाइफ में। तो यार अगर हम उनकी लोकेशन पर जाके ही करेंगे तो यार कल को हम पे ही बात आ सकती है, क्योंकि यार कोई हम लोग बाउंसर हायर करके नहीं जा रहे अपने साथ में, ठीक है? हम लोग अकेले ही होते हैं, मेरे साथ मतलब मेरा एक टीम मेंबर ही होते हैं, दो लोग होते हैं, ठीक है? अब ज़्यादा लोग आ जाए तो हमें हमारी लाइफ पर भी रिस्क है। इसलिए हम लोग सोचते हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें लोगों को ना अपने मतलब अपनी लोकेशन पे बुलाने की, ठीक है? ऐसी प्री प्लानिंग करें कि हम अपनी कन्वेंस करके अपनी लोकेशन पे लेके आ जाए। तो अभी हम लोगों ने यही प्री प्लानिंग की है, जो वो लड़का है उसको हमने ये बोला कि यार हम लोग अपना हिडन कैमरा लगा देंगे, अगर तू लड़की को हमारी लोकेशन पे लेके आ जाता है ना और तू प्रूव कर देता है कि लड़की गलत है, तो यार भाई रास्ते से हट जाएंगे, ठीक है? ये चीज़ हुई है अभी हमारी बात। तो अभी हम लोग, मैं क्या चाहती हूँ कि आप उस लड़के को फ़ोन करो, जो आप क्या नाम है उसका, अमन नाम बता रहे थे ना, तो अमन को फ़ोन करो, स्पीकर पे फोन रखना और उसको बोलना कि यार कितनी देर में आ रहे हो, पूछो उससे, क्योंकि आपकी बात तो हो ही गई थी ना सुबह 12 बजे। हेलो हेलो हाँ भाई, भाई तू बोल रहा था ना कि तेरे साथ है वो रिलेशन में, लॉयल है तेरे साथ। हाँ। तो भाई एक काम कर, मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, यहाँ पे आ जा उसको लेके। चल ठीक है, लोकेशन सेंड कर दे, आ जाता हूँ। ठीक है, भेज रहा हूँ। कितने देर में आ जाएगा भाई? 15-20 मिनट लगेंगे, आ ही रही होगा मेरे से मिलने ना अभी। ठीक है भाई, लिया। तो मतलब ये बंदा ये जो है इतना कॉन्फिडेंस में बोल रहा है कि मतलब वो 15-20 मिनट में उससे मिलने आ रही है, तो मैं उसको इसी लोकेशन पे लेके आऊँगा और प्रूव करूँगा कि लड़की गलत है। मतलब बात यहाँ पे डबल डेटिंग की चल रहा है, समझ रहे हो? 3 साल से रिलेशनशिप में इसका भी कट रहा है और मतलब उस लड़के का भी पता नहीं कितने टाइम से वो है। तो वेट करेंगे हम लोग उस लड़के के आने का, और हम लोग तब जब उनके आने का थोड़ा टाइम होगा, लोकेशन में शेयर कर दिया, जैसे टाइम होगा तो हम लोग यहाँ से फ्रेम से आउट हो जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को देखना भी तो है ना कि लड़का और लड़की के बीच में चल क्या रहा है, या वो खुद ही हम लोगों को मिलकर फंसा रहे हो। इसलिए मैंने अपने यहाँ पे ही लोकेशन दिया खुद की। तो वेट करते हैं और देखते हैं क्या होने वाला वीडियो में। आ जाओ बैठो, आप ए सी ऑन कर देता हूँ थोड़ी देर में।
और सुनाओ सब ठीक? हाँ सब बढ़िया। मैं तो जाना मिलने के थे मिला। अरे काफ़ी टाइम हो गया था मिले हुए। मैंने कहा यार मिल लेते हैं, याद भी आ रही थी। इसे चालू कर दो। हाँ कर दिया इसे चालू। मैंने रिमोट यहीं पर होगा वहीं पर। अरे रिमोट रुक जाओ। अरे किसका फ्लैट है ये? फ्रेंड का ही है मेरे, अपने ही खास दोस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका घर जान के आपका सारा आ गया, कोई दिक्कत नहीं। और बताओ सब ठीक? हाँ आ जाओ वॉशरूम। कैसा लग रही है वैसे भी? बहुत ज़्यादा। मेरा फोन ही रखा है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। बोलो। पानी तो आ नहीं रहा यार। पानी की मोटर तो यार मेरे को पता नहीं कहाँ से चलती है। पानी तो आ नहीं रहा यार, मेरे कपड़े गिर गए। अच्छा कोई नहीं यार, अभी आ जाएगा पानी। थोड़ी देर में आता है। अरे यार तो मैं तो थोड़ी थोड़ी बैठी रहूंगी। तो यार कोई आ थोड़ी रहा है यहाँ पे, आप कैसे डर नहीं यार? बोल के ना पानी तो ऑन कर दे कम से कम। चलो मैं बोलता हूँ अभी पानी के लिए, करवा दो पानी। आओ बैठो ले जाओ। कोई बात नहीं, स्प्रे लगवाया हुआ है। खराब कर दे रहे? कर दो खराब, आप ही तो कर रहे हो, और कोई थोड़ी करेगा। कोई दिक्कत नहीं। फोन तो नहीं आया था किसी का? नहीं नहीं कोई फोन नहीं आया किसी। और भाई क्या हाल है? क्या कर रही है इसके साथ? वो दोस्त है दोस्त? हाँ। दोस्त? दोस्त मैं रिलेशन में हूँ 6 महीने से पहले। अरे दोस्त कैसे? दोस्त कैसे? दोस्त के साथ ऐसे? पानी नहीं आ रहा था यार, तोले में बैठी हूँ, कपड़े गीले हो गए तो कपड़े गीले हो गए, कहाँ बैठू? सर पे चढ़ रहे मेरे। भाई ये क्या बोल रहे हो, क्या बात कर रहे हो? उससे दोस्त है भाई, दोस्त है भाई, दोस्त भाई, भाई 6 महीने हूँ। अरे भाई पागल हो गया, चुप हो जाओ। मैं क्यों चुप हो जाऊँ? कब कुछ 6 महीने दिमाग खराब है क्या तेरा यार? हद है, यही है ना वो चल जिसके चक्कर में झूठ बोलती थी। यही है ना, अपने तौलिए में हूँ। यही है ना वो तौलिए में किसी और लड़के के साथ रूम में। जब भाई दोस्त है मेरा, अच्छा दोस्त है, दोस्त है, दोस्त पागल हो गए क्या बोल रहे हो? कोई दोस्त है भाई, 6 महीने रिलेशन में। मैं बर्थडे निकल चुका हूँ। तुम्हें ये भी याद नहीं है इसका बर्थडे कब आएगा? अरे आएगा ना, किसका तो आएगा। चुप हो जा। किसी का क्या सर? और भी है क्या? और भी है। अरे यार सही है मेरा। अरे तुझे क्या यार, दिमाग खराब है तेरा? दिमाग खराब तू कौन है और क्या रही है? इस इन लोकेशन कैसे पता चली? तू कर क्या रही है? लोकेशन मैंने दिए ना, क्योंकि मेरे को भी शक हो चुका था पहले से। और कितने लड़कों की जिंदगी तबाह कर रही है ऐसे बता। तुझे लोकेशन कैसे पता चली? मैंने दूसरे लोगों को मेरा दोस्त है। घुटो में तुम्हारे दिमाग? नहीं मेरा तो दिमाग नहीं है। उसे क्या बोल रहा है? ऐसे बोलना। अरे दोस्त है मेरा भाई, वो तो आए। अब क्या क्या करने आई है इसके साथ? दोस्त अकेले एक रूम के साथ तू बंदरलिया बना रहे हो। तू दोस्ती का नाम ले, दोस्ती का नाम मत नाम। पहली बार हम रूम पे नहीं आए, हम काफी बार रूम पे जा चुके हैं 6 महीने से। टोटल कितनी बार रूम में गए हो आप लोग? मेरे को ये भी याद नहीं कितने बार गए। तू चुप रहा है, चुप रहा है, बदतमीजी मत करो। क्या जबरदस्ती कितनी बार आए हो? क्या तू मेरे से बात करना? मेरी लोकेशन है समझी? ठीक है, और मेरी तेरी सच्चाई ना सबके सामने सामने आ चुकी है। ठीक है, तुम्हें कुछ बोलना है इसको? ऐसे लड़की के साथ है तुम 3 साल से, और तुम्हें पता नहीं चला तुम्हारे अंकल में? मुझे तो 6 महीने से हमारी बात हो गई थी पहले, और हमने कपड़े चेंज करके क्या आ रही है? ऐसा मेरे कपड़े सूख गए होंगे। शर्म कर रहे थोड़ी सी यार? आप एक बात बताओ, आपको
मुझे नहीं पता था ये सब। पहले पता नहीं था ना, जब पता लगा तो फिर हमारी कॉल पे बात हुई तो मैंने कहा बताया भाई तू ले जा, मैं मेरे को नीचे मेरे को भाई, अरे भाई तू रख रहा तो रख, मेरे को नीचे है, चाहे इसको वैसे ही छोड़ दे। लेकिन यार देखो आप कितने टाइम से शक था इस पे कि किसी, शक तो मेरे को खैर रिलेशन के 2 महीने बाद से होने लग गया था थोड़ा थोड़ा, फिर कंफर्म भी हो गया। भाई का फोन आया मेरे पास, ये मेरे से कह रहे कि भाई ये मेरी जी है, फिर मैंने बोला भाई ये तो मेरी है, अब सामने आ जाओ सामने बात करिए सारी। बट आपने भी बहुत सपोर्ट किया, थैंक यू उसके लिए यार, क्योंकि रंगे हाथ पकड़ना था हमें। यार लड़की के पीछे दोस्ती में डरा रहा है वो सब अच्छा नहीं लगता ना। कोई नहीं यार छोड़ो, अभी इसको सबक सिखाते ना, ऐसे थोड़ा इसको चेंज करके आने दो, एक बार ऐसे थोड़ा जाने देंगे। बिल्कुल मतलब ऐसी घटिया लड़कियां पैसों के लिए मतलब लोगों की जिंदगी तबाह कर देगी, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। चला नहीं, इससे चला लिया तो इनसे चला गया, तो मेरे से चला, और शायद और भी है शायद इसके, और भी है शायद इसके, कंफर्म नहीं। यार दिमाग ठीक है, खराब हो चुका है, मैं कपड़े गीले हुए थे, दैट्स व्हाई मैं तोलिया पहन रखा था। ओह अच्छा, तेरे कपड़े गीले हुए थे, जब कहां जा रही है, अभी पहुंच जाएगी तू और यार, बात क्लियर करके जाओगे। कॉल आ रहा है, क्लेरिफिकेशन दे दो, जिससे ना आ रही है और उसको जिसके साथ तू 6 महीने समझी, मुझे तेरे साथ रहना है, रहना तो रहना तो नहीं है, इनको तो सब बता के आए हम पहले ही, दो दो तीन साल इसके साथ ऐसे तैसे करा रही, 6 महीने तो उसके साथ। अरे है मैं भी नहीं बात ऐसे देती, मैं नहीं नहीं ना है भी ना है ना, कोई तेरा भाई लग रहा है तो बंद रख, जा सुन ना, अब मेरी बात सुन, जा तेरे को जाने तो दे रही हूं मैं, सुन तो। लेकिन ना ये तेरे को कुछ बोलना चाहता है क्या, उसको बहुत जल्दी बहुत लेट हो रहा है मुझे, ये तेरे को ये बोलना चाहता है कि तू इसको क्या छोड़ेगी, वो तेरे मुंह पे थूकता है, थैंक यू ठीक है समझी, और सुन अरे तेरे दूसरे यार से तू सुन जा, वो क्या बोलता है, जा जा रफा दफा, वो इधर हो गई, सुन निकल, तू ना पैरों में पड़ लेगी ना इन दोनों में से किसी के भी, मैं क्यों तेरे शक्ल में पैरों में, हां तेरे और भी यार बात कर रहे होंगे, पूरी रिपोर्ट होगी तो यहाँ पे, जितनी बदतमीजी तेरी हो रही है फैमिली रहती है, और तू यहाँ पे अपने यारों से एक्सीडेंट से करा के ना, आपको बताया जिससे की सारी बात खोले। लेकिन जब से भाई के बारे में पता चला, इसके बारे में तब से शायद ज्यादा थोड़ी सी हो गई, मुझे पता तो था इनके बारे में, पर वो बोलते थे मेरे इनसे खत्म हो चुका है, मतलब इनसे मेरा कोई लिंक नहीं है, लेकिन इनसे बात होती नहीं होती, कभी कभी मैंने भाई फोन चेक नहीं करा उसका, कभी कुछ नहीं। अब बताओ अगर पहले पता होता ना तो इनको पहले ही बताते ये चीजें, आप 6 महीने से भले अटैचमेंट होते हैं, लेकिन वो एक 3 साल वाले अटैचमेंट, वो मैं समझ सकता हूँ इनकी बात, इनके समझ सकता हूँ, इनको ज्यादा तकलीफ होगी, मैं तो खैर अभी थोड़े टाइम पहले इनसे मिला था, रिलेशनशिप अच्छा चला था हमारा भी, बट अब जैसे था आपको बताया हमने सामने लाए। कोई नहीं यार, प्लीज मूव ऑन करो यार, देखो अब ब्रेकअप, देखो आज के टाइम में ना अंदर मन भरोसा करना बहुत गलत है, अब ब्लाइंड ट्रस्ट करना ही नहीं किसी पे, बिल्कुल आज की बात तो कभी करना कभी भी नहीं है ना, कुछ लड़कियों की वजह से हम नॉर्मल लड़के बदनाम जाते हैं, देखा ये खुद ही कैरेक्टरलेस है, लेकिन इसको पता नहीं ना, मुझे जानती है लेकिन इसको सामने लड़की कैरेक्टरलेस ही दिख रही है, तो मतलब जो जैसा होता है ना उसको वैसे इंसान नजर आता है, बिल्कुल ठीक है, तो आपको आगे से ब्लाइंड ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, और देखो कैमरा सेट कर लिया, सारी क्लिप्स भी रिकॉर्ड हो गई होगी, मुझे भी आपसे पूरी उम्मीद है, ठीक है, तो मोटिवेट हो रहा है, लेकिन आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है, और बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है, पक्का चलो ध्यान रखो अपना, है ना, थैंक यू, बाय।